करें। जी नमस्कार। आज इस सत्याग्रह की जूम पे परिचर्चा में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुधीर पनवार जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका जी, इस कार्यक्रम में। जी तो डॉक्टर साहब आप का एक लंबा राजनीतिक जीवन है और हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है तो इसका जो एक तीन कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन हो ही रहा है, इसके अलावा धीमे धीमे इसका विस्तार एक राजनीतिक फलक पे भी हो चुका है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि इस आंदोलन की परिणति कैसे होगी या इसका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये किसान आंदोलन शायद दुनिया का अपने तरीके का आंदोलन है जो एक आशंका पे है, जो केंद्र सरकार भी कह चुकी कई बार की जो अभी तक का जो व्यवस्था है वो बदलेगी नहीं बल्कि उनके साथ साथ हम नई व्यवस्था लेंगे, ये केंद्र सरकार कह चुकी। तो अभी तक कोई कानून लागू नहीं हुआ, मतलब उसका कोई अभी तक हम समझते हैं कि इम्पैक्ट नहीं शुरू हुआ। तो इसे समझने के लिए एक उसके पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर में किसान इतना सशंकित क्यों है और वो आंदोलन इतने लंबे समय से क्यों कर रहा है और उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो यदि हम पिछले 6 साल का इतिहास देखें और मतलब भाजपा जब से मोदी सरकार आई तब से किसान और खेती के बारे में बात करें तो पहले 2 साल को छोड़ के पिछले 4 सालों से सरकार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से कि कोई फसल ऐसी नहीं है जिसका रिकॉर्ड उत्पादन ना हो। सरकार के आंकड़े खुद ही कहते हैं कि हमने हर साल एक उत्पादन के मामले में नई ऊंचाई छुई है। दूसरी तरफ की सच्चाई ये है कि साथ ही सरकार को ये भी करना पड़ा तो 2019 के चुनाव से पहले कि उसे 6,000 रुपए का एक साल भर में किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करनी पड़ी, इसमें किसान को 6,000 रुपए देना होता है। तो दो विरोधाभासी चीजें हैं, पहला किसान अपने स्तर पे अपनी उत्पादकता बढ़ाए हुए है, मतलब मैक्सिमम उत्पादन है उसका, अधिकतम जो कर सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज, और दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सरकार को उसके लिए 6,000 रुपए की व्यवस्था करनी पड़ी। और यदि हम दूसरी साइड देखें लगातार बजट में हम जो कृषि ऋण है उसकी सीमा बढ़ाते जा रहे हैं, तो दो स्थिति है कि एक तो कृषि ऋण की सीमा बढ़ती जा रही, किसान के पास अपने संसाधन उतने नहीं है कि वो अपना काम चला सके, दूसरा उसका रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, तो इससे अच्छी स्थिति किसान के उत्पादन की नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी वो सरकार के या तो सहायता पे निर्भर है या ऋण पे निर्भर है। तो इन्हीं बैकग्राउंड के बीच में सरकार ने 3 कृषि कानून लाने का फैसला किया, जो हमारा जो कोरोना काल था जिसमें हम सरकार बहुत जरूरी काम कर रही थी उसी में ऑर्डिनेंस ला के, जो एक व्यवस्था है लोकतंत्र में कि कोई भी जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जिसमें इंतजार नहीं किया जा सकता वो इन 3 कानूनों को लेकर आई। सरकार की बात सुने तो सरकार का इरादा है कि इन 3 कानूनों के आने के बाद में कृषि में जो प्राइवेट सेक्टर है वो निवेश करेगा, सरकार का तर्क है। और उसका ये भी है कि किसान को हम छूट देंगे, लेकिन इसकी आहट पंजाब में सबसे पहले सुनाई थी, वहां के किसानों ने, क्योंकि प्रोग्रेसिव किसान है पहले से, हरित क्रांति में उनका उत्पादन ज्यादा रहा, उन्हें सुविधा मिली कि वो अपनी जो फसलें हैं वो बेच सके, तो उन्होंने सबसे पहले इसकी जो 3 कानून आए उनके जो दीर्घकालिक जो प्रभाव होंगे और जो अब प्रभाव होंगे 1-2 साल में दोनों को समझा अच्छे तरीके से, उन्होंने किसान से सरकार से मांग की कि वो इन कानूनों को रद्द कर दे। सरकार ने मांग नहीं की, पहले वो पंजाब में बैठे सबको मालूम है, जब पंजाब में उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया,
क्योंकि दिल्ली केंद्र सरकार का ये है, मतलब कृषि समवर्ती सूची में है, लेकिन केंद्र सरकार ने, क्योंकि अधिकतर राज्यों में अब भाजपा की सरकारें हैं, तो ये मानते हुए कि कोई कोई विरोध नहीं होगा, तो उन्होंने इस पे जो केंद्र का कानून है, केंद्रीय कानून, तीन कानून बना को दे दिए। जबकि कृषि जो व्यापार है या कृषि उत्पादन है, अधिकांश समय में राज्य उस पर अपने नियम बनाते रहे। तो ये तो बैकग्राउंड है जो जिसकी वजह से किसान दिल्ली आए। शायद किसी को ये एहसास नहीं था या कोई किसी को ये जानकारी नहीं थी कि ये किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चलेगा। बातचीत हुई, दौर हुई, जो किसी भी आंदोलन का एक स्वाभाविक होता है कि वो सरकार के साथ बैठ के बात करते हैं, लेकिन सरकार ने उस बातचीत में कहीं भी ऐसा नहीं लगा, किसान का एक ही मुद्दा था कि सरकार इन कानूनों को वापिस ले ले, और वापिस लेने के बाद में जो एक किसान संगठनों को बुला के, किसानों को बुला के, राजनीतिक जो विपक्ष दल है, विरोधी दल है, उन्हें बुला के एक नए कानून बनाए। सरकार हमेशा जब भी, मतलब यदि हम इतिहास में जाएं इसके पिछले 100 दिन के, तो वार्ता के पहले दिन सरकार की तरफ से कोई ना कोई बयान ऐसा आता था कि वो अगले दिन की वार्ता का कोई बहुत, उससे लगता नहीं था कि इससे कोई बहुत मतलब निकलेगा। और ये करीब करीब जितने दौर की वार्ता हुई उतनी ही बार ये बयान आया कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, किसान कुछ मुट्ठी भर किसान है, कुछ दूसरे किसान है। तो वो एक जो सरकार के पास तरीके हैं, अभी तक भाजपा ने जब से शासन सत्ता में है, गुजरात से लगाकर और दिल्ली में, सारे किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन डील किए, और हमेशा सरकार की बात ज्यादा मानी गई, कोई आंदोलनकारियों की बात कम मानी गई। जो उदाहरण है वो सीए का उदाहरण है, और जो हमारा जो जो पेंशनर का जो बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में वो है, कुछ कामगारों के आंदोलन हुए, लेकिन सरकार किसी न किसी तरीके से उन आंदोलन से निपटने में सफल हुई। तो उनके पास वही औजार थे इस किसान आंदोलन से निपटने के जो उन्होंने इस्तेमाल किए। जैसे हरियाणा में जब किसान आ रहे थे तो उनके जबरदस्ती रोकने का था, मतलब बल्क प्रयोग करके, उसके बाद खाई खुदवाने का था, उसके बाद जो उसका एक चिर परिचित अंदाज है मीडिया, वो आया, उसने बताया कि ये किसान तो हमारे जो है वो किसान कम है, खालिस्तानी जाते हैं, इनके बीच में खालिस्तानी घूमते हुए, ये विदेशी एजेंडा है। उसके बाद जब ये दोनों चीजें खत्म हुई तो फिर कहा गया कि तो पैरोकियल है, छोटा सा एक आंदोलन है जो जिसमें किसान शामिल नहीं है। फिर बताया गया कि ये तो अलग कैटेगरी के किसान है जिनके पास ट्रैक्टर है। फिर एक स्थिति आई कि ये तो जाट किसान है। तो सरकार के पास जो भी औजार थे आंदोलन से निपटने के, या भाजपा और आरएसएस जिस तरीके से आंदोलन से निपटते रहे, वो सारे तरीके अब तक इस्तेमाल हो चुके। तो ये कहानी अब तक की है। दूसरा सवाल आपका, यदि इसके बीच में कोई आप पूछना चाहते हो तो मैं उस पर। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोई भी चुनाव में चुन करके आई हुई सरकार, ज्यादातर अभी तक देखा जाता रहा है कि वो अगर एक बहुत बड़ा समुदाय कोई डिमांड करता है तो उस तरीके से उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रहता है, और खास तौर से किसानों के साथ तो रहता ही है कि मतलब कम से कम उनकी बातों को ठीक से सुनते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि जितनी भी वार्ता हुई वो शुरुआत से ही सरकार का रवैया इतना अड़ियल रहा, तो इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? ये सरकार इतनी अस्वस्थ कैसे है कि मतलब वो उसको जरा भी चिंता नहीं है कि उसका वोट बैंक खसक सकता है, और अब बढ़ते बढ़ते 100 दिन से ज्यादा हो गया तो ये तस्वीर तो साफ दिख रही है कि आने वाले चुनाव पे इसका बहुत निगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। तो इन सब के बावजूद भी ये सरकार इतनी कठोरता से इस कानून को लागू करने के लिए क्यों तत्पर है? मतलब आपकी समझ में ऐसा रवैया क्यों है सरकार का, जबकि उसको वोट बैंक का एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आने वाले इलेक्शन में, शायद इसका प्रभाव दिखाई भी पड़े। नहीं, आपका सवाल जो है वो थोड़ा सा उसके लिए भाजपा को समझना पड़ेगा। भाजपा के जो चुनावी मुद्दे रहे, यदि हम 2014 के चुनावी मुद्दे देखें तो दो था, हिंदू जो मतलब एक हिंदुत्व और एक भ्रष्टाचार का विरोध। उसमें किसान नहीं थे, उसमें कोई सामान्य वो नहीं था, तो इन दो बड़े मुद्दों पे भाजपा चुनाव जीत का आई। जो तीसरा जो भाजपा की नीतियों से जो होता है, तो उससे लगता है कि
सरकार खुद ही चाहती हो, रेलवे हो, LIC हो, कोई भी जो सार्वजनिक जो हमारे उपक्रम है जी, उस वो सब निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, जो मतलब विनिवेश कहते हैं, जो मतलब एक टेक्निकल टर्म है। तो सरकार का ये भी मानना है कि कृषि में भी बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उनका प्रवेश होना चाहिए, और शायद उसी के लिए है, सरकार ने इसमें कहीं छिपाया भी नहीं। और जो कुछ लोग ने जो निकाल के लाए कि पहले से ही अडानी अंबानी जी हमारे शुरू कर दिया, कि उन्होंने जो जिसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसमें निवेश शुरू कर दिया, तो सरकार का सोच है कि किसान को फायदा जब ही पहुंचाया जा सके जब कॉरपोरेट सरकार की जगह निवेश करना शुरू कर दे, तो ये सरकार का मानना है। चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके चुनाव के एजेंडे दूसरे होते हैं। यदि आप याद करें कि जब नोटबंदी हुई तो पूरी अर्थव्यवस्था छिनभिन हुई, हम उसका प्रभाव आज तक देख रहे हैं कि जो छोटे उद्योग थे वो चले गए, जो कामगार थे उन्हें बहुत दिन तक काम नहीं मिला, जिसे हम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कहते हैं वो नहीं, मतलब कहीं छिनभिन होगी तो उसका आज तक इम्पैक्ट है। लेकिन चुनाव में भाजपा को सफलता मिली क्योंकि चुनाव दूसरे मुद्दे पर लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, राष्ट्रीयता ये है, राष्ट्र प्रेम ये है, तो भाजपा के चुनाव के मुद्दे अपने तरीके से सेट करने में सफल हुई अभी तक। यदि वो अब की बार भी सफल होती है तो उसके किसान आंदोलन का भी कोई असर ना हो। आज हरियाणा असेंबली थी, असेंबली में जितने एक वोट भी इधर से उधर नहीं हुआ, पब्लिक की चिंता करने की बजाय, क्योंकि पूरा हरियाणा आंदोलित, किसी खुद भी मानते हैं, विधायक भी कल कह रहे थे कि हमारी ये हिम्मत नहीं है कि हम किसी गांव में जाके जनता के बीच में जाके कोई बात कह सके। लेकिन विधानसभा की बात देखिए कि विधानसभा में पूरे के पूरे जितने सरकार के साथ विधायक थे निर्दलीय और जो दूसरी पार्टी थी, उन सबने सरकार के पक्ष में वोट दिए। तो यहाँ ये लगता है कि जो जनता के सरोकार है उससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके हिसाब से काम नहीं करती, राजनीतिक पार्टियों के अपने एजेंडे हैं और उन्हें मालूम है कि उनके एजेंडे पर सरकार को अगली बार चुनाव में जाके भी विजय मिल सकती है, जीत मिल सकती है। और कई नेता तो ये कहते हैं भाजपा के कि देख तो लिया, हरियाणा में भले ही आंदोलन चल रहा हो लेकिन राजस्थान के लोकल बॉडीज के चुनाव में हम जीत गए, अभी गुजरात में चुनाव हुआ तो देखिए हमारा क्या बिगड़ा, पूरा ग्रामीण समुदाय हमारे साथ था, सब किसान साथ थे। तो किसी आंदोलन जब भी पहले हुए तो आंदोलन को या तो सरकार ने समझने में उसने लगा कि ये ज्यादा प्रभाव बिगाड़ सकता है, जो राजनीतिक सत्ता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो या तो इस तरीके से उसे नजरअंदाज कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया, या दूसरी चीज ये हुई कि भाई हमें इस चीज को मानना ही नहीं है तो हमारा जो रास्ता है उसके लिए वो ठीक नहीं होता। जैसे इन किसान आंदोलन की बात है तो सरकार को मालूम है कि खेती का कॉरपोरेटाइजेशन करना है या कॉरपोरेट को खेती में लाना है, तो ये किसान कुछ भी कहते रहे या किसान नाराज भी हो जाए लेकिन हमारे लिए वो एजेंडा बड़ा है। जहां तक राजनीतिक प्रभाव की बात है तो अभी तो स्थिति ये है, जो जिस तरीके से ये मूवमेंट अभी पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में है जी, उसमें एक ग्रामीण जनता की नाराजगी दिखाई देती है सभी को, सत्ता पक्ष को भी है, इसलिए शायद भाजपा के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने जो मंत्री हैं वहां पे भेजे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि जाइए आप किसानों को समझाइए, उन्हें कन्विंस कीजिए, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाया। तो किसान की नाराजगी का सत्ता पक्ष को भी भाजपा को भी एहसास है कि किसान नाराज है इन क्षेत्र में। ये सही बात है कि अभी तक जो आंदोलन है वो बहुत बड़े भूभाग में नहीं है, जहां क्योंकि किसान की संख्या 65% है तो कोई भी सरकार 65% जनता की नाराजगी को सहन नहीं कर सकती या उसका अनदेखा नहीं कर सकती। लेकिन साथ साथ ये भी सरकार की निश्चिंतता का एक कारण ये भी हो सकता है कि एक तो केंद्र सरकार के चुनाव में समय है अभी, और दूसरा इस आंदोलन को अभी भी वो अपेक्षित गति नहीं मिली, और उसके भी कारण है क्योंकि यदि हम ये कहें कि ये अब तक अराजनीतिक आंदोलन था, उसमें अराजनीतिक आंदोलन में मुद्दे सामने आते हैं, पब्लिक के सामने मुद्दे आए, लेकिन 65% लोगों के मुद्दे को नजरअंदाज करना किसी भी विपक्ष या विरोधी पार्टी के लिए नामुमकिन चीज है।
तो अब धीरे धीरे दूसरी पार्टी मतलब जो राजनीतिक दल है वो सीधे इन मुद्दों पे बोलने लगे। सब यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से वहां किया कि हम जाएंगे सेफई और वहां पे गिरफ्तारी दे, वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। सरकार ने यहाँ गिरफ्तार किया, शायद ये पिछले 7 दिसंबर की बात है, और उसके बाद ये कहा कि किसानों को हम पूरा समर्थन देंगे इनडायरेक्टली बिना सीधे पार्टिसिपेट किए हुए। उसके बाद फिर जयंत चौधरी जो आरएलडी जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, उसने जगह जगह महापंचायत करना शुरू किया। दूसरे जो किसान संगठन है उन लोगों ने महापंचायत शुरू किया। तो मोबिलाइजेशन है, बस एक हमें जो समझ में। जी सर, इसी से संबंधी एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे कि जिस तरीके से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बहुत एग्रेसिवली इस आंदोलन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, या रोज उनकी रैलियां हो रही हैं, या कहीं ना कहीं देश भरे में वो इससे संबंधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस आंदोलन के प्रति, उस तरीके से सपा का उस लेवल पे उस स्केल पे इन्वॉल्वमेंट थोड़ा नहीं दिख रहा है इसके बारे में, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े भी हुए, तो ये प्रश्न बहुत जुनून है कि ये मतलब क्यों, क्या कुछ ऐसा है कि राजनीतिक दल जानबूझ के दूरी बना के रख रहे हैं इस आंदोलन से, या कितने एग्रेसिवली मतलब इससे जुड़ना चाहिए अन्य पार्टियों को कांग्रेस को छोड़ के, वो उस तरीके से नहीं दिख रही है बात अभी। नहीं, वो स्वाभाविक है, उसे होना भी नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था, मतलब मेरा भी मानना ये है यदि मुझसे कोई निरपेक्ष तरीके से पूछे, क्योंकि किसान आंदोलन का इतिहास रहा है कि जब भी वो किसानों ने किया उसकी अगुवाई किसानों ने की तो उससे ज्यादा सफलता मिली, चाहे वो टिकैत जी का आंदोलन हो चाहे उसके पुराने आंदोलन हो। भाजपा के साथ ये है, जैसे ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होगा तो तुरंत उसे समाजवादी पार्टी का आंदोलन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कांग्रेस का आंदोलन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो राजनीतिक आंदोलन यदि शुरू में ही हो जाता है, ये आंदोलन राजनीतिक पार्टियों ने सबने परहेज किया। यदि आप प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के भी प्रोग्राम देखें तो वो जब से शुरू हुए, जब से टिकट की आंखों में आंसू आए वहां से, वो 28 जनवरी के बाद शुरू हुए, उसके बाद सभी पार्टियों ने। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी तो पहली पार्टी थी जिसने 7 दिसंबर में अखिलेश जी ने यहाँ पे वो गिरफ्तार किया गया था उन्हें, खाली इसलिए कि वो ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा ना ले सके। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने अपने जो कैडर है जो जिला है उन सब में किसानों को जाके इन कानूनों के बारे में एक जानकारी देने के लिए निर्देशित किया था। अलाव कार्यक्रम थे, दूसरे कार्यक्रम थे कि आप किसानों से सीधे संपर्क में रहे, और जिले में घेराव भी किया गया था। लेकिन एक मतलब वो आज तक एक पहली है कि योगी सरकार ने कहा कि जो किसान किसान संगठन से संबंधित है वो तो आंदोलन कर सकते हैं, वो तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाके घेराव कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी से संबंधित है समाजवादी पार्टी से या किसी भी पार्टी से, उन्हें आंदोलन की इजाजत नहीं होगी। उन धरपकड़ हुई, रिपोर्ट लिखी गई। मेरे ही गाँव में जो 26 जनवरी में खाली ट्रैक्टर पर जो तिरंगा झंडा लगा के कलेक्ट्रेट तक आए थे, ऐसे 300 लोगों के खिलाफ FIR है, अलग अलग केस लगाए गए। ऐसे करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे 7,000 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो वो उस तरीके से मीडिया में नहीं आया उतने वो सरकार का जो एक तंत्र होता है जिस तरीके से एक धरपकड़ की गई, घर पे जाके बैठ के मुकदमा लिखा गया, लोगों को निकलने नहीं दिया गया। तो सरकार ने, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी की थी कि ये किसान आंदोलन में राजनीतिक दल सक्रिय ना हो सके। तो जो जिले स्तर के लोग थे, मतलब वो राजनीतिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक पदाधिकारी है, उन्हें घर में रोक दिया गया, तो वो बहुत बड़ी खबर भी नहीं बन पाई, उन पर खाली मुकदमे हुए उतना खबर तो है। 26 जनवरी में ये जरूर कॉल, मतलब समाजवादी पार्टी ने एक कॉल दिया था पूरे प्रदेश में कि सारे किसान जो है वो निकलेंगे और अपने अपने उस पर तिरंगा झंडा लगा कर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, तो वो कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद जब ये हुआ कि अब ये एक ऐसी स्थिति आ गई जब भाजपा किसानों के आंदोलन को नहीं समझ पा रही, और किसान आंदोलन अब उस स्थिति में है कि राजनीतिक दल बहुत दिन तक उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, 65% जनता है,
कल राजनीतिक दलों से भी जवाब मांगा जाएगा कि जब हम संघर्ष कर रहे थे तब आप कहाँ थे। तो उस स्थिति में फिर ये शुरू हुआ जो मैंने बताया, पहली मीटिंग अखिलेश जी ने उस इसी मुद्दे पे जो पंचायत किसान पंचायत कहते हैं वो टप्पल में की, टप्पल के लिए ऐतिहासिक महत्व है किसान आंदोलन के लिए। दूसरी मीटिंग अभी प्रस्तावित है 13 तारीख में कासगंज में, उसके बाद फिर बाजना में मेरठ में है। तो अब उन्होंने अपना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया। कांग्रेस की मीटिंग शुरू हुई, वो पश्चिम में ज्यादा है क्योंकि पश्चिम में मोबिलाइजेशन ज्यादा है। तीसरी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसने शुरू किया। आज जो गैर राजनीतिक संगठन है जिन्हें हम किसान संगठन कहते हैं, जो सीधे धरने में इन्वॉल्व है दिल्ली में, जो उनका एक संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी मीटिंग थी बलिया में। तो सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, लेकिन वो सही है। यदि शुरू से ही राजनीतिक दल इस आंदोलन में होते तो भाजपा इसे ब्रांड कर देती कि तो विपक्ष का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन ना होकर विपक्ष का आंदोलन होता। लेकिन अब ये किसान का आंदोलन है जिसे विपक्ष सपोर्ट कर रहा है और ये भूमिका ज्यादा बढ़िया है जहां तक हम समझते हैं। डॉक्टर साहब से एक प्रश्न आपसे और है कि ये जो आंदोलन है जैसा आप कह रहे हैं और ये दिख भी रहा है साहब कि पंजाब से शुरू हुआ फिर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं खुद भी कई बार गया हूँ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, अभी ये वहाँ पे बहुत जड़ इसकी नहीं जम पा रही है, और या बिहार में, तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं कि कोई ये किसान किस आकार के हैं उससे कुछ लेना देना है इसका, या सही जानकारी अभी बिहार के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पाई है, या अभी इस कानूनों की उतनी समझ उनको नहीं है, क्या वजह देखते हैं आप इसकी कि ये आंदोलन अभी पूर्व की ओर उतना नहीं गया है? नहीं, आप ये देखिए कि मीडिया में किसानों के इस मुद्दे के लिए कितनी जगह मिली, मीडिया ने इसे कितना दिखाया कि किसान आंदोलन कर रहे हैं बैठे हुए। इससे जो हमारा एक मीडिया है जिसे टीवी मीडिया कहते हैं वो डिस्क्रेडिट हुआ, क्योंकि आप 1-2 लाख किसानों को यदि नजरअंदाज करेंगे बैठे हुए, या कुछ अखबार भी ऐसे हैं जो उन्हें दूसरे तरीके से कह रहे हैं जिद्दी किसान है, धनवान किसान है, तो वहां तक ये नहीं पहुंचा। फिर मेरा ये मानना है कि जो किसान संगठन है उनकी क्षमता सीमित होती है, जैसे मान लिया उसे आंदोलन के विस्तार के लिए उनकी क्षमता सीमित है, उसके लिए राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है जिनके कार्यकर्ता हैं, जिनका पार्टी संगठन है। बात टाइमिंग को है कि पहले पहल कौन करे। अब किसान संगठन क्योंकि इसके अगुवा है, ये संगठन, ये आंदोलन उन्हीं ने शुरू किया और उन्हीं को लोग जानते हैं कि किसानों का अपनी समस्या है जिसे किसान खुद लेकर आए, और राजनीतिक दल उसके सपोर्टिंग में है, राजनीतिक दल उसके सहयोगी है। अब जब ये स्थिति है तो हम लोग यदि समाजशास्त्र पढ़े या एक जो लोक संचार पढ़े तो किसान के आंदोलन के फैलने की अपनी गति होती है, किसी भी आंदोलन का विस्तार की एक अवस्था होती है। तो जो पहली प्रावस्था थी जिसमें किसानों को जानकारी होनी चाहिए थी, वो अब उस स्थिति में आ गया कि किसानों को जानकारी है। दूसरा फिर आता है कि संगठित कौन करे। समाज जो राजनीतिक दल है उन्होंने किसानों को संगठित नहीं किया, और बहुत दिनों से शायद हम ये सिलसिला देख भी रहे कि ये संगठन वाला जो मामला है वो कोई अपने आप संगठित हो जाए तो राजनीतिक पार्टी उसे नेतृत्व देती है, संगठित नहीं करती। तो अब किसान यदि संगठित होगा तो किसी के साथ में होगा, पंचायत के फॉर्मेट में होगा, किसी में होगा। कई बार तो देखा गया कोई नेता नहीं था लेकिन किसान अपने आप सामने आए और अपनी बात कही। तो अब वो उस स्थिति में हम पहुंच रहे। जो दूसरी बात आप कह रहे थे उसका भी योगदान है। जो यदि हम पूरब की तरफ देखें और बिहार में देखें तो छोटे किसान, मतलब वैसे तो देश में छोटे ही किसान है, करीब 86% किसान लघु सीमांत कैटेगरी में है, तो उनके पास बेचने के लिए कम। और सरकार के ही आंकड़े ये कहते हैं कि जो 94% या 94% किसानों को MSP का फायदा ही नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा। तो यदि किसी को लाभ ही नहीं मिल रहा तो उसे तो यही अंदाजा नहीं कि उसकी हानि क्या हो रही। तो पहले तो उसे ये बताना पड़ेगा कि यदि MSP की गारंटी मिल जाए, सरकार MSP देने लगे, तो आपको जो धान आप 900 रुपए में बेच रहे हैं वो आपको 1800 रुपए मिल सकता है, गेहूं मिल सकता है।
अभी तो किसी को यही पता नहीं कि इन कानून में यदि एमएसपी चली जाएगी या एमएसपी मिल जाए उनका क्या फायदा होगा। पहली तो किसानों को ये बताने की जरूरत है इस प्रदेश के मतलब पूर्वी भाग में और बिहार में। अब लोग जा रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था सुल्तानपुर में वो सीपीआईएम ने कुछ किया था, सुभाषनी अली कर रही थी, बलिया में आज राकेश टिकैत जी थे, कई दूसरी जगह पर दूसरे लोग थे, तो पूरब में चीजें शुरू हुई और ये अच्छी बात है कि ये प्राकृतिक तरीके से चल रहा है। इसका वो बारिश वाला नहीं है कि एक दिन बारिश बरसी और चली गई, वो ये धीरे धीरे लोग इसमें समझ के जुड़ रहे। आप दिल्ली में बैठे हुए, पंजाब के किसान 3 महीने लगे दिल्ली आने में, लेकिन किसी भी किसान से बात करें वो आपको कानून के बारे में विस्तार से बता देगा कि हमारे लिए इसमें ये नुकसान है और सरकार का इरादा ये। तो जब तक कानून समझेगा नहीं, बिना समझे हुए किसान को ये आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। तो ये समय है जब जो पूरब का किसान है, पूरी उत्तर प्रदेश का और बिहार का, वो जनसंचार के माध्यमों से अब कुछ कुछ हुआ, 2-3 चैनल ऐसे हैं जो इन्हें दिखाने की मजबूरी हुई तो दिखा भी रहे, और कुछ जो हमारे अनौपचारिक तरीके हैं जनसंचार के उनसे भी तरीका उनका माध्यम भी बना। तो हमें ये लगता है कि ये हम एक बड़े आंदोलन की या बड़े जो जन आंदोलन है उसकी शुरुआत ऐसी होती है। यदि आप गौर करें कि जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था जिसे संपूर्ण क्रांति कहते हैं, इतिहास का जो आंदोलन है 70s का, वो बहुत छोटे उससे शुरू हुआ था, नवनिर्माण सेना गुजरात में, उससे पहले बिहार में। तो किसी भी बड़े आंदोलन, ये आंदोलन सीमित नहीं रह सकता, इतनी हमें समझ है कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी इस आंदोलन का विस्तार होगा। और क्योंकि 65% जनता का मामला है और इसमें जो लोग हैं उनका एक कोई राजनीतिक, जो किसान संगठन है उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है, वो कई बार कह चुके और शायद वो सच भी कह रहे, और जो पंजाब से लोग आए वो भी कभी राजनीति में नहीं थे। तो मुद्दा ऐसा है जो किसान की आर्थिकी से जुड़ा हुआ, और किसान की आर्थिकी से जुड़ने का मतलब है कि गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। तो अभी तक जितना इसका विस्तार हो सकता था, मैं तो समझता हूँ कि अधिकतम यही तक जा सकता था, अभी तक हम लोग ये आंदोलन अपने अधिकतम सीमा के साथ है और धीरे धीरे इसका फैलाव ऐसे ही हो रहा जैसे कोई आंदोलन चलता है। प्रोफेसर साहब, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए जिसमें कि ये इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो रहा है, जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही ब्रिटेन की संसद में इस किसान आंदोलन पे जो मतलब वो सीधे सरकार की नीतियों पे तो नहीं उसमें कोई क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन किसान आंदोलन के साथ जिस तरीके से डील कर रही है भारतीय सरकार उसकी आलोचना हुई, और जो हमारे पत्रकारों के साथ बहुत जोर जबरदस्ती हो रही है उस पर आलोचना हुई वहाँ तो। और उससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी अपना सपोर्ट किसान आंदोलन के लिए किया है, तो इसी हद तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। तो और भारत सरकार ने उसका बहुत ही तीखे ढंग से प्रतिक्रिया भी की है, तो ये क्या लग रहा है आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि आंदोलन अपने पीक तक लगभग पहुंच रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोर रहा है, लेकिन क्या ये सब चीजें सरकार पे कुछ दबाव डाल पाएंगी, कि मतलब आपको क्या दिखता है कि सरकार काफी दृढ़ दिख रही है, वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और किसान भी बहुत दृढ़ है, वो भी अपना कदम पीछे नहीं खींचने को तैयार है, तो आपको क्या दिखता है कि क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा, या फिर ये सत्ता परिवर्तन में भी कन्वर्ट हो सकता है आगे अगर दोनों तरफ से कोई इसमें पीछे नहीं हटने को तैयार होता है, ये आपको क्या दिख रहा है इसका भविष्य? नहीं, जिस तरीके से दोनों पक्ष हैं, किसान भी और सरकार भी, तो हमें लगता है कि दोनों के लिए बहुत ही इसकी प्राथमिकता है, या दोनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसे हम कहते हैं कि दोनों के स्टेक्स हाई है। एक तरफ सरकार चाहती है, सरकार का अपना मानना है, उसके पास अपने लोग हैं जो सलाह देते हैं, अब उसकी अपनी एक सरकार चलाने की शैली है, उसका मानना यह है कि अब इस ये समय आ गया जब हमें कृषि खेती को कारपोरेट्स के लिए खोल देना चाहिए, और वो कानून यही कहते हैं, कानून में मतलब उत्पादन से लगा के और मतलब उसके व्यापार और फिर भंडारण और फिर एक्सपोर्ट तक सब चीजें एक मुक्त कर दी गई,
व्यापार उसके लिए कि आप उत्पादन से लगा कर और बाहर भेजने तक एक्सपोर्ट तक, वो चीजें तो सरकार के स्टेक्स हाई है। सरकार ने, कोई भी सरकार ये तो कह नहीं सकती कि हमने बिना सोचे समझे फैसला ले लिया। उधर किसान को ये लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी मेरी आमदनी इतनी कम है, और यदि एमएसपी का सपोर्ट, एमएसपी सरकार भले ही कहती हो लेकिन सबको मालूम है कि यदि एक प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आएगा, एक उदाहरण बता दूं आपको कि अडानी जो है वो एप्पल के बिजनेस में है, ज्यादातर जो एप्पल का ट्रेड है सेव का वो अडानी जी के पास में है। इस बार के बजट में जब देखें तो एक ही ऐसा कृषि उत्पाद है जिसपे निर्यात कर लगाया गया, मतलब जब आप आयात करेंगे, हाँ आयात करेंगे तो उसपे ड्यूटी लगाई गई 40% की। आप यदि सेव यहाँ पे महंगे हो गए तब भी आप सेव का निर्यात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ट्रेड कहीं दूसरे के पास, अडानी जी के पास में। तो किसान को भी ये लगता है कि यदि हमारे पास से ये व्यापार सरकार से हटके कॉरपोरेट के पास चला गया तो हमारा एक्सप्लोइटेशन होगा। और अभी दो चार जगह की जो मॉडल है, जैसे अमेरिका का भी 2-3 दिन पहले था कि वहां पे भी हमारे जैसे छोटे किसान होते थे, सरकार वहां पे ले गई और 40 साल में पूरी वहां पे व्यवस्था बदल गई। ऐसा ही फिलीपींस का है, ऑक्सफैम की स्टडी है कि जैसे ही कॉरपोरेट आते हैं खेती के मामले में तो सबसे ज्यादा जो दबाव पड़ता है वो किसान पे पड़ता है अपनी चीजें सस्ते बेचने का, या वो अपने खेत में मजदूर के तरीके से हो जाता है, तो वो इन कृषि कानून में वो निहित है। तो किसान के लिए इसके स्टेक्स बहुत हाई है, किसान के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है, वो कह भी चुके। और उधर सरकार का ये है कि हमें सरकार का बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है, और खेती जब ही ठीक हो सकती है जब इसमें कॉरपोरेट आ जाए, फूड का मतलब फूड का कॉरपोरेटीकरण हो जाए, वो पूरी दुनिया में अब ये इस तरीके की मुहिम है। तो दोनों तरफ के स्टेक्स हाई है। जहां तक राजनीतिक प्रभाव की बात है तो उसके बारे में भी निश्चित नहीं कह सकते, मतलब हम ये कहें कि इसका राजनीतिक ये होगा कि सरकार बदल जाएगी, क्योंकि सरकार पिछली बार भी सरकार का बड़े कदम थे, तो अभी सरकार के पास 4 साल का समय भी है केंद्र सरकार के पास में, तो हो सके कोई दूसरे मुद्दे ऐसे हों जिनसे जनता बहुत प्रसन्न हो जाए। लेकिन आज की परिस्थिति में तो ये है कि किसान के साथ किसान की नाराजगी है। जहां तक आप अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे थे कि जो कृषि व्यापार है और किसान है, वो पूरी दुनिया में एक कम्युनिटी के तरीके, जैसे कामगार है तो पूरी दुनिया का कामगार एक दूसरे से जुड़ा होता है, ऐसे ही किसान जुड़ा होता है। हालांकि ये हमारी, हम एक सार्वभौमिक राष्ट्र हैं, हम अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, तो हमें किसी दूसरे राष्ट्र की, मतलब है किसान के तरीके से और एक पार्टी के मेंबर होने के नाते मैं कह सकता हूं कि किसी दूसरे राष्ट्र को हमारे समस्या को में बहुत दखल देने की जरूरत नहीं, हमने बहुत अच्छे अच्छे समाधान निकाले हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, हमारे पास लोकतंत्र है और आंदोलन है, तो हम उनका काम कर सकते हैं और वो सदस्यता उनकी हो सकती है, लेकिन वो हमारे इंटरनल मैटर है, हम अपने आंतरिक मामलों में सक्षम है करने के लिए। तो जहां तक चुनाव की बात है या इसके राजनीतिक प्रभाव की बात है, तो जो हिंदी बेल्ट है जहां का किसान इस आंदोलन के साथ सबसे ज्यादा है, वहीं से भाजपा के सत्तारोहण या राज्यारोहण की शुरुआत हुई थी चुनावी विजय की, और वहीं का किसान अब नाराज भी है। अब किसान के साथ साथ अब ये धीरे धीरे ग्रामीण आर्थिकी का मुद्दा बनता जा रहा है, जो मतलब वो भी स्ट्रेस में है। आप परिस्थिति देखिए कि बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है, गांव की इनकम किसान के साथ साथ जो खेतिहर मजदूर है उनकी इनकम सबसे कम पे है। सरकार जो है वो जो जरूरी चीजें हैं जैसे गैस है, बिजली है और जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, सफर है मतलब यात्रा जिसे कहते हैं रेल यात्रा, सब में पैसे बढ़ा रही और आमदनी घट रही, तो इसका जो काउंटर इफेक्ट है वो बड़े आंदोलन में भी बदल सकता है। ये एक इसके साथ अंतर्निहित है किसान आंदोलन के साथ में कि इसे सपोर्ट मिलेगा। अभी हम लोगों के जो शहर की जो जिसे हम शहर की आबादी या शहर सिविल सोसाइटी कहते हैं, वहां पर अभी इसका उतना असर नहीं है जितना असर गांव से जुड़ी हुई चीजों का पहले होता था। वो वहां अभी मतलब एक उदासीनता है इस मांग के प्रति, वो दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है या जितने शहर है,
अब उसका कारण तो ये भी हो सकता है कि जो जनसंचार के माध्यम है वहां पर उस तरीके से ना किया गया हो कि ये जो हमारी खाद्य श्रृंखला है या जो मतलब जो खाने पीने की चीजों को ही महंगा करने की अल्टीमेटली वही होगा, किसान तो इससे प्रभावित होगा ही लेकिन जो कंज्यूमर है वो ज्यादा प्रभावित होगा। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने हमें समय दिया और किसान आंदोलन के बारे में आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सर।